गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पाल आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल ITI प्लेसमेंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। आइए देखते हैं उसकी सारी डिटेल क्या है। मगर उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये जो अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूँ वो ISRO से निकला हुआ है। आइए देखते हैं उसकी सारी डिटेल क्या है। देखिए, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में ये पोस्ट निकली हुई है अहमदाबाद। एडवर्टाइजमेंट नंबर उन्होंने दे दिया है। टेक्नीशियन के लिए ये पोस्ट निकली हुई है। दोस्तों, आवेदन के लिए वेबसाइट पर 12/3/2018 मतलब स्टार्टिंग जो है 12 मार्च से होगी और लास्ट डेट जो इसकी रही है वो 2 अप्रैल 2018 तक खुली रहेगी वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करें। देखिए, आइए पद का नाम, रिक्तियां और उनके लिए क्या एजुकेशन चाहिए वो देखते हैं। टेक्नीशियन बी फिटर के लिए चाहिए, जनरल से 7, OBC के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 2 जगह हैं, SC के लिए 2, ST के लिए 2 जगह हैं। मैट्रिक पास मांगे जा रहे हैं और फिटर से जैसे स्टूडेंट ITI है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट, जनरल के लिए 2, OBC के लिए 1, ST के लिए 1 है। 10वीं पास प्लस ITI मांगी जा रही है इसमें मशीनिस्ट ट्रेड से। तकनीशी टर्नर के मात्र जनरल 1 है, जनरल में 1 जगह है जो कि मैट्रिक पास 10वीं से मांगी जा रही है। और ट्रेड NCVT में SCVT में टर्नर से जिसने भी ITI किया वो इसमें अप्लाई कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में 37 मतलब 37 जगह हैं, जनरल की 18, OBC की 11, SC की 3, ST की 5। मैट्रिक 10वीं पास प्लस वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI मांगी जा रही है। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन, इसमें जनरल की 2 जगह हैं मात्र 10वीं, और इलेक्ट्रीशियन में ITI मांगी जा रही है NCVT SCVT किसी भी डेट से। और ये है LACP टेक्नीशियन बी LACP और ब्लैक AOCP, इसमें टोटल 4 पोस्ट, जनरल की 2 हैं, OBC की 1 है, ST की 1 है। इसमें 10वीं पास प्लस लैब असिस्टेंट कंप्यूटर प्लांट्स ये सारे कुछ मांगे जा रहे हैं, देख लेना आप। डिजिटल फोटोग्राफिक्स में 1 जगह है जनरल की, वो भी 10वीं पास प्लस डिजिटल फोटोग्राफी में अपने ITI की हो। और टेक्नीशियन भी RAC मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर ट्रेड में आपने ITI की हो और 10वीं पास होना चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट हैं 2, जनरल की 1, ST की 1। टेक्नीशियन IT ये सारी कुछ मांगी जा रही है। इसमें जनरल की 5, इसमें टोटल पोस्ट हैं 9, जनरल की है 5, OBC की हैं 3, ST की हैं 1। इसमें 10वीं पास प्लस IT में आप लोगों ने या तो ITI की हो या कुछ और हो आपके पास नेशनल लेवल, या NCVT या SCVT किसी भी ट्रेड में से की हो। तकनीशियन एवं CHNM, ये मुझे पता नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग मेंटेनेंस, इसमें जनरल की 2 जगह हैं ओनली, इसमें ITI मांगी जा रही है कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग में, अपने ITI की हो, NCVT SCVT। तो दोस्तों, ये जो सारी हैं ये बता रहे हैं कि मतलब कितनी आरक्षित सीटें हैं कितनी, ये मैं PDF में डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दे दिए, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। इसमें जो वेतन दिया जाएगा वो 21,700 से 69,100 दिया जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं, ये सारी फैसिलिटीज़ वगैरह बता रहे हैं कि क्या क्या सुविधा दी जाएगी। मैं PDF में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए, वहाँ आप जाके देख लेना। ऑनलाइन जो अप्लाई होगा वो 12/3/2018 से 2/4/2018 तक होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दे दिया, उसमें जाके आप लोग वहाँ से अप्लाई करें। और आपको अप्लाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी अप्लाई करना भी बताऊँगा आपको। और भी अगर कोई इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वो भी प्रॉब्लम सजेस्ट करूँगा आपकी। सारा कुछ है इसमें। एज जो क्राइटेरिया रखा गया है वो देखते हैं अपन। एज क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, हाँ एज जो क्राइटेरिया रखा है 2/4/2018 को तिथि में 18 से 35 वर्ष के होने चाहिए, और अजय एवं अब्बास रेड्डी को 40 वर्ष का, अपिबा को 38 वर्ष का मिलेगा। दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को अपार अनुसार आयु अनुसार छूट मिलेगी। ये सारे उनके वैसे ही कुछ नियम हैं, और उन्होंने सिलेबस वगैरह भी दे रखा है यहाँ पर।
100 अंकों के स्केल पर हर तक न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने पर कौशल मतलब 60% आपकी होनी चाहिए, 60% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आने चाहिए तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, वरना डिसक्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। भी डिसक्वालीफाई लिखा है इसमें कि नहीं, और इसमें लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। इसमें तरीके भी बताए गए हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करना भी बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों थैंक यू गाइस।